नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालराम। शुरुआत बाजार ने कमजोर की थी और कमजोर शुरुआत के बाद रिकवरी बेहद जबरदस्त रही है। जोश पूरी तरह से लौटा है और निफ्टी इस वक्त 125 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है, 21,750 के आसपास। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में भी धीरे धीरे देखने की सुधार आ रहा है। आप एनएससी को अगर आप देखेंगे तो 1274 शेयर लाल निशान में, उसके मुकाबले करीब 1050 शेयर इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां से जोश ज्यादा है, निफ्टी के मुकाबले प्रतिशत में दोगुने से भी ज्यादा की तेजी निफ्टी बैंक में है। करीब 650 अंकों का जबरदस्त उछाल, 45,500 के ऊपर जाकर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। 1.5% के आसपास की शानदार तेजी इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। आज प्राइवेट बैंकिंग या फिर सरकारी बैंकिंग जोश पूरी तरह से हम देख रहे हैं। ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये तमाम जो बड़े बैंक हैं जहां से अब वेटेज भी आता है, आज निफ्टी बैंक को दिशा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज का जो टॉप गेनर है सरकारी शेयर। कल स्थिति कुछ अलग थी, दो दिनों की पिटाई के बाद कुछ रिकवरी हम देख रहे हैं। कोल इंडिया है 4% ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ मेटल माइनिंग वाली कंपनी हिंडाल्को 12% नीचे है, क्योंकि नोवेलिस का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, उसमें कॉस्ट बढ़ रही है, वहां से रिटर्न कम आने की आशंका है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि 12% टूटकर यह शेयर कारोबार कर रहा है। निचले स्तरों से हल्की सी रिकवरी हम जरूर देख रहे हैं, लेकिन बैंकिंग से जोश अच्छा है। PNB में भी 4.5% के आसपास की आज तेजी हम देख रहे हैं। डिपी, बेहतरीन रिबाउंड है बाजार का कहेंगे, आपका कन्विक्शन पूरी तरह से बाजार ने उसको जस्टिफाई किया, उसको सही साबित किया। 45,500 के ऊपर निफ्टी बैंक, आगे की चाल कैसी होगी, अगला एक घंटा कैसा दिख रहा है? देखिए, मार्केट ने आज सुबह, हमने आपको बैंक निफ्टी जिस समय 44,800 बताया ना, हमने खुद से रोक के मनीष को बताया कि अभी आप इसको प्लस करो हाथों हाथ। देखते देखते 45,000 हुआ, फिर 45,150 हुआ, उसके पार करने पर ये रास्ता खुल गया था कि आज 45,500 आज ही लगा सकता है। और ना केवल 45,500 आज लगा, बल्कि फ्यूचर्स में 200 पॉइंट का प्रीमियम है, तो वहाँ पर आप 45,700 तक भी पहुँच गए हो। एक बार फ्यूचर की प्लेट दिखा सकते हैं आप, जिसमें निफ्टी का फ्यूचर्स प्लेट आता है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स प्लेट आता है। मैं वहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सुबह क्या हो रहा था कि 45,150 तक तो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, तो हल्का फुल्का शॉर्ट्स को कवर हो रहा था, जिसमें प्रीमियम्स वगैरह भी लिखा होता है। हम 12 बजे के कार्यक्रम में लेके आते हैं, वो भी प्लेट दिखा रहा हो क्या रहा था, पहले शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, लेकिन उसके बाद से जब मार्केट ने समझ में आया कि 45,150 हो गया, शॉर्ट्स ट्रैप होना शुरू हुए। आज वीकली एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, उससे पहले एक्शन होना स्वाभाविक था। 2 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ओपन खड़े थे, और मैंने आपको सब बोला भी था अभिषेक, कल भी मैंने नोटिस कराया था कि बैंक निफ्टी को ना आदत नहीं है 1.5 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ओपन के साथ काम करने की। वो जैसे 2-2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट देखता है ना ओपन के, तो उसको ऊपर नीचे बहुत तेज़ से स्विंग करता है। और आपको 4 दिन का ट्रेड अगर बैंक निफ्टी का याद हो तो आपको पता लग जाएगा, 800 पॉइंट नीचे, 600 पॉइंट ऊपर, फिर 700 पॉइंट नीचे, और फिर से 600 पॉइंट ऊपर। तो यह 4th दिन है जब मार्केट स्विंग आपको दिलवा रहा है बहुत जोर से, 16 के विक्स पे रख के। ये जो 5% का ओपरेंटर्स देख पा रहे हैं, काफ़ी जोर का बना है। आज बैंक निफ्टी डेलिबरेटली खरीदी गई, प्रीमियम्स हाई हुए, और आज ही आज आपने देख रहे होंगे 750 आपको लिखा हुआ दिख रहा है, स्पॉट 500 के ऊपर क्लोजिंग करता है। तो कल अगर सब कुछ ग्लोबल ठीक रहा तो कल आप 40,000 की तरफ बढ़ जाएंगे। आते हैं जिनको आज प्रॉफिट बुक करना है, वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और हमने कई बार बोला है कि बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट वाले कंसेप्ट पे आप काम करो। अगर आपको ऐसे जम रहा है कि आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल गया और आपको लेना चाहिए, तो लो और उससे बाहर निकल जाओ। आ जाइए जरा निफ्टी पे, जरा निफ्टी के लेवल्स दिखाइएगा। निफ्टी ने आज अपने रेजिस्टेंस को अभी तक ब्रेक नहीं किया, पूरा दिन निकल गया। बैंक निफ्टी ने कल के डैमेज को पूरा रिपेयर कर लिया, 45,000 भी लाया, 45,300 भी लाया, 45,500 भी ले आया, लेकिन इसके पास 21,800 नहीं आया। तो आज 21,800 की वेट करो, 21,800 के ऊपर क्लोज मिल जाए तो अपनी पोजीशंस को BTST करके जाना, नहीं मिलता आज का प्रॉफिट बुक करना, कल का कल देखेंगे, परसों का परसों देखेंगे। इंस्टीट्यूशनल मेरे को लग रहा है आज का डाटा देखने के बाद थोड़ी बहुत FIs की बाइंग आएगी, 1-2% बढ़कर, देखेंगे क्या होता है। एक और चीज़ जो मेरे को नोटिस हो रही है, एक बार जरा फ्यूचर वाली प्लेट दिखा सकते हैं जिसमें F&O के एडवांस डिक्लाइन लिखे होते हैं, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बाजार के ना थोड़ा नीचे पे आके ना वैल्यू हंटिंग होती है। ये आपको सरकारी कंपनीज में भी दिखी है, 2 दिन की तेज गिरावट के बाद वहां पे फिर से वैल्यू हंटिंग होने लग गई है। तो ये मार्केट का नेचर है वैल्यू हंटिंग करने का,
ये आज भी होगा। आप देखो 1:3 का रेशो से चल रहा है, 50-132 शेयर है, तो ये मार्केट की स्ट्रेंथ को शो कर रहा है कि छोटा ही डिप मिल रहा है, उस डिप को बॉट करता है और अगले दिन उस डैमेज को कंट्रोल कर देता है। अभी तक तो अभिषेक ऐसा हो रहा है, 15 तारीख को अर्निंग्स खत्म हो जाएंगे, फिर मार्केट अलग तरीके से चलेगा। किया ना आपकी कमेंट्री जब ये चल रही थी, इस बीच 3 कंपनीज नतीजे आ गए, KRBL ने अपने नतीजे जारी कर दिए, शंकरा बिल्डकॉन के नतीजे आ गए, और इसके बाद इन्फो एज यानी कि Naukri.com के भी नतीजे आ गए हैं, वो स्क्रीन पर उसका एक बार जरा हम रिव्यू कर लेते हैं। मार्जिन 32% से बढ़कर 32.3%, कोई खास बढ़ोतरी वहाँ पर नहीं है, ईयर ऑन ईयर ये फिगर है। बाकी आंकड़े भी हम लेकर आएंगे, आय में करीब 6.5% के आसपास की बढ़त है, बहुत ज़्यादा इसमें भी उत्साह हम नहीं कहेंगे, 627 करोड़ पर ये पहुँची है। शेयर अभी भी है लाल निशान में कारोबार कर रहा है। एबिडा यानी कि कामकाजी मुनाफा उसमें 7.5% के आसपास की ये ठीक ठाक बढ़त है। अपने मेहमानों को जोड़ लेते हैं और एक बार जरा इन्फो एज से शुरुआत करके बाजार पर व्यू लेंगे और आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स भी फटाफट लेकर आएंगे। रुचित जैन, राजेश पालविया, आशीष महेश्वरी आज के हमारे 3 एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है तीनों स्वदेश पर। आशीष जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, इन्फो एज नंबर्स आपको कैसे लग रहे हैं, क्योंकि 116 करोड़ रुपये घाटे के मुकाबले 151 करोड़ रुपये का मुनाफा पोस्ट किया है। एबिडा के फ्रंट पर और मार्जिन के फ्रंट पर भी नंबर ठीक ठाक ही लग रहे हैं, हालांकि अभी शेयर लाल निशान में। सर, कंपनी कैसी लग रही है आपको? जी बिल्कुल, इनफैक्ट लाल निशान में जरूर है, पर बहुत ज्यादा समय तक रहेगा नहीं, मुझे लगता है कि बिल्कुल स्टॉक की थोड़ी सी री रेटिंग अभी आगे होगी। फिर भी बात यह है कि स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 52 के पास ही ट्रेड कर रहा है, 5500 रुपए का आई थिंक उसका 52 था, तो थोड़ा बहुत करेक्शन उस लेवल से देखने को मिल रहा है, बट नतीजे बिल्कुल अच्छे हैं मुझे लगता है, और किसी भी और गिरावट पे स्टॉक को ऐड करना चाहिए, क्योंकि जो टर्न अराउंड अभी केसेस बन रहे हैं उसमें और जिन स्टॉक्स की रीरेटिंग हो रही है वही है जहाँ पे टर्न अराउंड कहते हैं या क्वार्टर ओवर क्वार्टर अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है 5250 के आसपास स्टॉक में बिल्कुल पोजिशन दोबारा से ली जा सके। 5250 के आसपास आए तो एक पोजिशन आप ले सकते हैं। एक बार निफ्टी का जरा हेल्थ चेकअप कर लेते हैं। रुचित, 21739 के आसपास इस वक्त निफ्टी कारोबार कर रहा है, और अगर हम निचले स्तरों से देखेंगे तो करीब करीब 200 अंकों की रिकवरी निफ्टी में है। अब तेजी तो 100 अंकों की है, लेकिन रिकवरी अगर हम बात करें 200 अंकों की है, आप फर्दर कोई स्ट्रेंथ देख रहे हैं रुचित आखिरी के घंटे में निफ्टी में, या फिर निफ्टी के मुकाबले आपको भी निफ्टी बैंक बेहतर लग रहा है? आज इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के अभिषेक की बात करें तो नो डाउट निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्योंकि काफी समय बाद जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इतने समय से अंडर परफॉर्मर रहे थे उनमें आज एक पुल बैक मूव नजर आ रहा है, तो अगर अब इंट्राडे या 102 दिन की अगर हम बात करें तो शायद ये प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में जो आउट परफॉर्मेंस है वो थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन निफ्टी में एक्चुअल स्ट्रेंथ अगर 21850 का जो हर्डल है उसके ऊपर जब तक क्लोजिंग या उसके ऊपर जब तक ब्रेकआउट नहीं आता तब तक हम इसे जस्ट एक पुल बैक मूव तरीके से देखेंगे, और कुछ बड़ी तेजी हम इंडेक्स में इमिडिएट करंट लेवल से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो 21800-850 के लेवल से मे बी 70-80 पॉइंट का पुलबैक मूव हम देख सकते हैं निफ्टी में करंट लेवल से भी, बट रिलेटिवली क्योंकि स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं कि ज्यादा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में दिख रहा है तो शायद रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस हम निफ्टी बैंक में जब देख रहे हैं वो थोड़ा कंटिन्यू और रह सकता है। ठीक है, निफ्टी बैंक के अंदर होने के चांसेस भी हैं, एक तो इसका बिल्डअप OOI थोड़ा ज्यादा है, विक्स है, थोड़ा चेज करने का दिन भी था, आज चेज भी कर रहा है, और हो सकता है थोड़ा बहुत और पुल बैक मिल जाए, क्योंकि इसके पास 40,000 तक पहुंचने का अभी भी रूम है, 21800 के ऊपर आएगा तो निफ्टी वापस चलेगा। एक काम करते हैं, जरा ट्रेडिंग कॉल्स पता कर लेते हैं। राजेश सर, आपसे पता करते हैं, गुड आफ्टरनून सर, अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बताइए आप जरा। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, तो पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो IT स्पेस से, और उसमें हमें लगता है विप्रो यहाँ पे बाय किया जा सकता है। विप्रो में देखें तो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे मंथली वीकली चार्ट पे बना है, और एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, जो कि एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड डिस्प्ले करता है। हमें लगता है विप्रो को यहाँ से बाय किया जा सकता है, अपसाइड के टारगेट 530 तक आते हुए दिख सकते हैं, स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 498 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो इंश्योरेंस स्पेस में से SBI लाइफ, ये स्टॉक को अगर हम देखें तो ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से बुलिश हो चले, और जिस तरीके से आज सारे इंश्योरेंस बास्केट में वापस बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है, SBI लाइफ अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को आज पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यहाँ पे ये स्टॉक में 1510-1520 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है, स्टॉप लॉस रखेंगे इसको बाय करने का करीब 1450 के आसपास,
और तीसरा जो स्टॉक बाय करना है वो है पीएसयू बैंक में से कैनरा बैंक का। ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर स्टॉक के बुलिश है। स्टॉक में जरूर एक करेक्शन हमने पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखा है, लेकिन अगर इसके ओवरऑल नियर टर्म स्ट्रक्चर देखें तो लोअर साइड पे स्टॉक में एक अच्छा बेस बना हुआ है। स्टॉक में आज जिस जगह से रिवर्सल मिला है वो भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 435 440 के 535 540 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे ये डिप को बाय जैसा यूज करना चाहिए। हमें लगता है कि ये स्टॉक में वापस मोमेंटम पिकअप होते हुए दिखेगा। 575-578 तक के अपसाइड का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं नियर टर्म में। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 540 के आसपास। ठीक है, तीन कंपनी आपने बताई है सर, एक तो विप्रो, दूसरा एसबीआई लाइफ, तीसरा कैनरा बैंक। तीनों की रीजनिंग आपको दे दिए, टारगेट स्टॉप लॉस आपके दे दिए, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और मैं फिर से बोलूँगा, सेलेक्टिव रहिए मार्केट के अंदर, सिलेक्शन अच्छा होगा, पक्के शेयर्स होंगे, कम ट्रेड होंगे तो ज़्यादा पैसा बनेगा, ज़्यादा ट्रेड से कोई पैसा नहीं बनता। ठीक, तो ये राजेश सर की तरफ से तीन कॉल है। स्टॉप लॉस को रिग्रेसली फॉलो कीजिए, वॉल्यूम को कम कर दीजिए। एक काम, मार्क्सन्स के नंबर आए हैं, एक बार ज़रा स्क्रीन पर दिखाइए। उसके वाईओ नंबर्स ने बीट किया हर फ्रंट पर, प्रॉफिट के फ्रंट पे भी हुआ और मार्जिन्स के फ्रंट पे भी हुआ। इनफैक्ट 16% से करीब 23% के मार्जिन्स हैं, और आप इस समय देख पा रहे हैं 970 आना चाहिए था नंबर, मुनाफे का नंबर आया 990 करोड़ से ज़्यादा का, तो इस नंबर से भी ठीक है, 5% ये शेयर ऊपर है। आशीष सर, एक बार ज़रा मार्क्सन्स को आप कवर करते हैं क्या, मार्क्सन्स फार्मा को अगर आप कवर करते हैं तो नंबर्स तो मेरे को तो बढ़िया लग रहे हैं इसके सर, हर फ्रंट पे, मार्जिन्स पे, अबिटा पे, प्रॉफिट पे, तो एक बार आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे अगर आप कवर करते हैं तो। आशीष सर आवाज आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए सर, एक बार अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बताइए सर, मार्क्सन्स फार्मा। ईयर ओवर ईयर तो इनफैक्ट नंबर्स काफी अच्छे हैं, जरूर क्वार्टर ओवर क्वार्टर देखे तो जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थे वही ऑलमोस्ट रिप्लिका इस क्वार्टर में भी आया है। बट मुझे लगता है कि क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इस साइज की कंपनी जो 80-82 करोड़ रुपए कंसिस्टेंटली पर क्वार्टर कमा रही है, और अभी मार्केट कैप 7,000 करोड़ के आसपास ये स्टॉक मिल रहा है, तो वैल्यू है स्टॉक में। और सेक्टर भी अभी अच्छा लगता है क्योंकि जो पीएसयू में जो कार्नेज हुआ उसके बाद काफी कुछ जो इन्वेस्टमेंट है फंड का वो भी फार्मा और जो थोड़ा सा डिफेंसिव सेक्टर है बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक वहां शिफ्ट हो रहा है, तो बिल्कुल फार्मा क्षेत्र में जो अच्छी कंपनियां और अच्छे नतीजे लाएंगी तो वहां पर निवेश जाएगा। और नतीजे के हिसाब से मैं सेटिस्फाइड हूँ नंबर से, और मेरा मानना है यही रन रेट उनकी आगे वाले क्वार्टर्स में भी जारी रहेगी, जहाँ 83 से 95 करोड़ के आसपास का उनका पैट रन रेट क्वार्टर बाय क्वार्टर देखने को मिलेगी आगे भी। क्या आप कह रहे हैं कि रन रेट थोड़ा और भी ठीक रहेगा, आगे चल के शेयर चल भी सकता है? बढ़िया, 150 पावन का शेयर है, रिएक्शन दे रहा है 5% ऊपर आके। इसी तरह के आयशर के नंबर्स भी जरा स्क्रीन पे दिखाता हूँ। आयशर के नंबर में ना दो हिस्सों में बताऊंगा आपको। पहला, मेरे को लग रहा है कि नंबर थोड़ा इनलाइन है और इनलाइन से स्लाइटली एक दो जगह पर मिस भी है, मैं आपको बताता हूँ। इसलिए आपको देख रहे होंगे ये शेयर ना लाल निशान में होगा। मेरा ऐसा मानना है कि ये ना ज़्यादा तोड़फोड़ करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, और करता भी ना तो 1 से 1.5% के स्विंग में करेगा, इससे ज़्यादा नहीं। मैं आपको नंबर्स बताता हूँ। आशीष सर आप जरा नंबर्स आप भी सुनना, और रुचित एक बार ज़रा आयशर के आप टेक्निकल चार्ट देखना, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके जो मार्जिन आए हैं, प्रॉफिट है, इनफैक्ट पहले मैं प्रॉफिट बताता हूँ, वो करीब 1,000 करोड़ रुपए के आसपास बनता है, ठीक है, 996 करोड़ हमने लिखा हुआ बकायदा, और मार्केट एक्सपेक्टेशन था कि करीब 9,600 कुछ करोड़ आएगा, तो मार्केट एक्सपेक्टेशन से स्लाइटली बेटर है, थोड़ा सा 400 करोड़ रुपए मोटा मोटी आप समझ लो। आप आते हैं मार्जिन्स पे, मार्केट का एक्सपेक्टेशन था इसके मार्जिन्स आएंगे 27% के Q3 के, यानी कि इसका जो प्रॉफिट बनता है कॉस्टिंग वॉस्टिंग काटने के बाद, मार्जिन्स आए 26% पे, तो स्लाइटली 1% का मिस है। आते हैं इसके रेवेन्यू पे या अबिटा पे आ जाते हैं, इसके जो ऑपरेशनल प्रॉफिट्स है, मार्केट का एक्सपेक्टेशन था कि करीब करीब वो होगा 1090 का, यानी कि करीब 1100 करोड़ रुपए के आसपास का, और अबिटा ऑलमोस्ट उतना ही आया है 1100 करोड़ रुपए के आसपास, तो इन लाइन नंबर है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्लाइटली मेरे को मार्जिन्स पे 1% का मिस दिखा, प्रॉफिट इन लाइन है जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, सिर्फ 400 करोड़ ज़्यादा है जो मार्केट एक्सपेक्टेशन थी, अभी 1% नीचे आ गया। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि टेक्निकली मेरे को देख के लग रहा है स्विंग 1 से 1.5% का बनेगा अभी इसके नीचे आने का, चेक करवा लेते। आशीष सर पहले जरा आप बताइए, फिर रुचि से हम जरा टेक्निकल व्यू लेंगे।
मैं तो बहुत ज्यादा निराश नहीं हूँ नंबर्स को देख के, क्योंकि कंपनी का जो कंसिस्टेंट क्वार्टर ओवर क्वार्टर में इंप्रूवमेंट आ रहा है वो काफी ठीक है। तो जैसे 817, फिर 914 और अभी 996 करोड़ का जो मुनाफा आया है, मुझे तो और अट्रैक्टिव ही नजर आता है और बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन ही यदि मेरा माना जाए तो। और जो नंबर्स हैं, जो सेल्स हैं, वो भी इनलाइन ही है जो लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में, बहुत नॉमिनल इंक्रीज है बट प्रॉफिट में ज्यादा इंक्रीज है। तो मेरी सलाह रहेगी कि इनफैक्ट किसी भी गिरावट पे, और यदि गिरावट आता है 3750 तक यदि स्टॉक मिलता है तो बिल्कुल ऐड करना चाहिए, क्योंकि नंबर्स को इतने बड़ा कोई बीट नहीं है मेरे हिसाब से। जी सर, आपने जैसे बात रखी वो बात हुई, और देखिए 1.5% नीचे आ गया अभी, ये बिल्कुल हरे निशान में था। हमने आपको थोड़ा नोटिस भी करवाया था कि हमको नंबर स्लाइटली इनलाइन टू थोड़े से डिप दिख रहे हैं, और आप उसका रिएक्शन देख पा रहे हैं, 1.5% नीचे है। रुचित, एक बार जरा टेक्निकली आपने चेक कर लिया होगा, जरा बताना आईशेयर के अंदर क्या करना चाहिए। डिम्पी जी, काफी नैरो रेंज लग रही है शॉर्ट टर्म के चार्ट्स पे। तो इनफैक्ट अगर आप लास्ट 10-12 दिन से देखेंगे तो स्टॉक अपने 100 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, जो 3750 के आसपास प्लेस्ड है, और सामने जब 4000 के आसपास जा रहा है तो वो लेवल्स, वो रेजिस्टेंस भी अब तक क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो टेक्निकली तो 3750 और 4000 ये 200 से 250 पॉइंट की रेंज है जिसमें स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में। अभी रेंज के बियॉन्ड अगर आज का क्लोजिंग आता है 3750 के नीचे तो ट्रेंड बाद में वीक होगा। सो आई थिंक एज ऑफ नाउ लग रहा है कि स्टॉक इसी रेंज में कंसोलिडेट और कुछ समय के लिए हो सकता है। ठीक है, ये 4750 की जो रेंज है बड़ी इंपॉर्टेंट रेंज है, ये पैनिक लो बिटवीन बना हुआ है और ये आज ही बन गया था। तो आपको मैं जरा स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ जिस पैनिक लो की अभी आपको बात कर रहे हैं सर, 1.5 से 2% नीचे है, बट 3750 नंबर्स ध्यान रखना, 3750 के नीचे जाएगा तो वीक हो जाएगा। ये मैंने 15 मिनट का चार्ट आपके लिए ड्रॉ किया हुआ है, इसमें ये पैनिक बॉटम बना हुआ है, यही आज का एक टेक अवे पॉइंट है, अगर ये नीचे गया तो फिर और वीक हो जाएगा। आयशर मोटर पर फंडा नंबर्स आपको बता दिए, आपको प्लस करने से पहले रोक भी दिया है, और आशीष सर ने, अरुचि सर ने आपको एक टेक्निकल व्यू पॉइंट भी दे दिया। अब जरा अवनी भट्ट को जोड़ते हैं और ऑप्शंस का चैंपियन चेक करवाते हैं। अवनी, कल आपकी जो वोल्टास वाली कॉल थी बहुत ही शानदार थी, आपने क्लोजिंग में दी थी मेरे को याद है, और आज सुबह हमने आपकी उस कॉल का बेनिफिट लेते हुए मैंने शाम को चार्ट चेक किए, आज सुबह हमने भी वोल्टास दिया और 2-2.5% ऊपर है, आपकी इस ऑप्शन ने करीब 50% का प्रॉफिट दिलवाया है जितना मेरे को याद है। पहले तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई आपको, आपने बढ़िया शेयर बढ़िया टाइम पर हमको टाइमली बता दिया। और अब आप मेरे को बताइए आज आपका ऑप्शन कौन सा है। धन्यवाद डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। तो आज हम खरीदारी करेंगे मारुति में। तो मारुति का अगर पिछले 3-4 दिन से देखेंगे तो इतनी पूरी मार्केट की गिरावट में मारुति एक लेवल होल्ड कर रहा था, जो कि 20 दिन के मूविंग एवरेज, जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, वहां पे सपोर्ट लेकर के होल्ड कर रहा था। और अभी आज जो हिसाब से वॉल्यूम हुए हैं और ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है फ्यूचर में, 2.5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है और काफी अनवाइंडिंग दिख रही है 10700 के कॉल में, और 10900 और 11000 के कॉल में भी काफी अनवाइंडिंग दिख रही है। तो हमारा मानना है कि ये स्टॉक अभी बहुत ही जल्द 11200 तक चलेगा। व्यू पॉजिटिव ही था लेकिन अब यहाँ से इसकी रफ्तार बढ़ेगी, तो हम मारुति की फरवरी की 10800 की कॉल में खरीदारी करेंगे, 200 से 205 के रेंज में, और इसका टारगेट रहेगा 380 का और स्टॉप लॉस रहेगा 105 रुपए का। तो अगर टारगेट पे अधिकतम मुनाफा जो है वो 8700 का होगा और अधिकतम नुकसान जो है वो 5000 तक सीमित रहेगा। ठीक है, 380 रुपये का टारगेट है आपका और 105 रुपये का स्टॉप लॉस है आपका, 200 रुपये में आप ये मारुति की कॉल प्लस करवा रहे हैं। माइंड इट, मैंने मारुति का चार्ट जब आप बोल रहे थे मैम, मैंने उसी समय नोट भी कर लिया, मेरे को भी लग रहा है एक ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन बन रही है इसमें, 10800 यानी कि अभी 100 रुपये चलेगा तो आपकी कॉल हिट हो जाएगी, ये 8700 आपका प्रॉफिट आ जाएगा पक्का, ऐसे लग रहा है ऐसा, और 5000 तक का नुकसान होगा अगर स्टॉप लॉस लगा देता है तो, 10800 के बेहद करीब है और वहीं की स्ट्राइक की कॉल दी गई है, आई होप आपको अच्छा बेनिफिट यहाँ से मिल जाएगा। तो ये अवनी भट्ट की मारुति की कॉल है, कॉन्फिडेंस आपका हाई हो जाए इसलिए मैं आपको वोल्टास वाला भी सुबह बता देता हूँ, और मैंने सुबह अवनी का नाम भी लिया था कि अवनी ने हमको बताया वोल्टास, और हमने सुबह आपके सामने शेयर भी किया था। आइए वो भी देख लेते हैं, BHL के नंबर आ गए, छोटे से ब्रेक के बाद BHL के नंबर के बारे में भी चर्चा करेंगे।
कॉल में आपका फिर से स्वागत है। बाजार की तेजी कायम है और इस तेजी में हम देख रहे हैं कि बैंकिंग शेयर और रफ्तार से भाग रहे हैं। 700 अंक ऊपर है अब निफ्टी बैंक, 45,600 के बेहद करीब इस वक्त कारोबार कर रहा है। 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी हमें दिख रही है। लेकिन ब्रेक से पहले हम BHEL के नतीजों की चर्चा कर रहे थे और खबरों का ऐसा फ्लो था कि रुचित की तो कॉल्स ही रह गई हैं, अभी रुचित से उनकी कॉल्स भी लेंगे, लेकिन BHEL की पहले बातचीत कर लेते हैं। घाटे में कंपनी आई है और इसके चलते हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा प्रेशर हमें दिख रहा है। 149 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है 42 करोड़ रुपये के मुनाफे के मुकाबले। आय में हालांकि 4.5% के आसपास की बढ़ोतरी है। BHEL हालांकि नीचे से रिकवर कर रहा है, 204 रुपए के आसपास का भाव था, वहां से रिकवर करके अब 214 रुपए पर फिर से आके कारोबार कर रहा है। रुचित जी आप एक काम कीजिए, BHEL पर आप व्यू भी शेयर कर दीजिए और लगे हाथ में अपने ट्रेडिंग कॉस्ट बता दीजिए। आई थिंक शॉर्ट टर्म में ज्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट की जा सकती है BHEL से। जो रिसेंट 240 का हाई बना है वहां से करेक्टिव फेज में एंटर हुआ है और नीचे 200 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो आज रिजल्ट्स के आसपास जो डिप हमने देखा उसमें एक्जेक्ट 201 का लो स्टॉक ने बनाया और वहां से रिकवरी हुई है। तो नहीं, अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो अभी एक बार होल्ड किया जा सकता है, लेकिन 200 के नीचे के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रखने चाहिए। अगर 200 के लेवल ब्रेक होते हैं तो स्टॉक में आने वाले समय में 175-180 के लेवल्स भी फिर ट्रिगर हो सकते हैं। तो होल्ड की सलाह रहेगी एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए, फ्रेश ट्रेड्स अवॉइड करने की सलाह है BHEL में। एंड जहां तक मेरे पिक्स है तो दो स्टॉक से खरीदारी साइड के लिए, और अभिषेक मेरे एक सिंपल रूल रखा है कि लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन में जो मार्केट्स में उतार चढ़ाव हमने देखे उसमें जो ऐसे स्टॉक्स है कि जिनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कि रिलेटिवली वॉलेटाइल मार्केट्स में या करेक्टिव फेज में भी वो ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, ऐसे ही स्टॉक्स में बाइंग साइड पे रहना है। सो दैट नो वहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर कंटिन्यू रहती है, मार्केट्स में फॉल भी आता है तो वहां पे रिस्क एपेटाइट थोड़ा बेटर रहेगा। तो TCS एक ऐसा स्टॉक है विद इन द लार्ज कैप IT स्पेस जहां पे स्ट्रेंथ दिख रही है। फरवरी के फर्स्ट वीक में एक अच्छे प्राइस अप मूव, फिर एक हफ्ते का कंसोलिडेशन, टेक्निकली एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन वहां पे हो रहा है। तो क्योंकि रिलेटिवली स्ट्रेंथ एक अच्छी दिखाई है स्टॉक ने ऑफलेट, और वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो प्राइस अप मूव में अच्छे वॉल्यूम्स हुए। तो TCS में खरीदारी की सलाह है 4,080 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 4,220 के टारगेट्स रखे। और HDFC AMC भी दूसरा ऐसा स्टॉक है जो हमारे रडार पे है, और वो क्लियरली सेम नो जो थ्योरी मैंने बताई है कि गिरते मार्केट में जो स्टॉक नहीं गिर रहा है या जो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है वही पे स्ट्रेंथ है और उसी को चेस करना है। तो HDFC बैंक भी सेम चार्ट स्ट्रक्चर्स है कि जहां पे प्राइस अप मूव अभी भी कंटिन्यूड है। तो यहां पे 3650 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी 3820 के टारगेट्स के लिए। TCS इंडेक्स का हेवी वेट और HDFC AMC ये दो शेयर रुचित की तरफ से ट्रेडिंग कॉल के तौर पर। इस बीच बॉम्बे बर्मा वाड़िया ग्रुप की कंपनी है, इसके नतीजे आ गए हैं। आय में करीब करीब 1.25% के आसपास की बढ़ोतरी है, 4,337 करोड़ रुपए पर आय निकल के आई है। शेयर है करीब 7-8% ऊपर मार्जिन के, और मुनाफे के आंकड़ों पर भी नजर रहेगी कि वो आंकड़े कैसे निकल के आते हैं। लेकिन नतीजे आने के बाद हम देख रहे हैं कि रफ्तार पकड़ी है शेयर ने बॉम्बे बर्मा के। राजेश जी एक बार जरा आप चेक करेंगे, बॉम्बे बर्मा 8.5% ऊपर अभी ये शेयर हो गया, दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। हाँ अभिषेक जी, देखिए अगर पिछले कुछ महीनों में देखें तो स्टॉक में एक अच्छा सस्टेन अप ट्रेंड बना हुआ है, सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, जो क्लियरली दिखाता है कि एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है, स्टॉक का स्ट्रक्चर बुलिश है। तो यहाँ पे रिजल्ट के बाद जरूर यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना है, और जिस तरीके से स्टॉक ने अभी स्पाइक दिया है, अब ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो बने थे पिछले तो 3-4 दिन पहले उसको पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है 1800 के लेवल अगर ये क्रॉस करने में कामयाब होता है आज क्लोजिंग बेसिस पे, तो इसका नेक्स्ट लक्ष्य 1940 की तरफ भी आते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, वॉलेटिलिटी में स्टॉक में अगर कोई डिप मिलती तो ऐड किया जा सकता है। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे वो होंगे करीब 1720 के आसपास। स्टॉप लॉस 1720, 1840 को अगर 1800 को पार किया अगर, फिर 1940 इसका लक्ष्य बनेगा बॉम्बे बर्मा का। लेकिन डेली रूम का हाल जरा चेक कर लेते हैं और लेकर आएंगे खास सेगमेंट खबर गर्म है। शरद दुबे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शरद बताइए कौन सी खबर है आपके पास आज? जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला है रेडिंगटन इंडिया और ये कैश मार्केट की स्टॉक है, और हमने जो है डीलर्स के साथ बातचीत की है और यहाँ पे पता चला है कि इनकी पेयर है जो राशि पेरिफेरल्स है वो कल लिस्ट होने वाली है। ओवरऑल HNI बाइंग देखने मिल रही है, पूरे फरवरी के महीने में जो है HNI बाइंग की जो है बढ़ोतरी देखने मिली है, थोड़ी डिलीवरी भी बढ़ी है पिछले 2 सेशन में, और वॉल्यूम्स भी आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 6 टाइम्स 20-डे एवरेज आया है। राशि पेरिवल्स की लिस्टिंग जो है
कल होने वाली है और बाजार का मानना है कि एक टाइप से वैल्यूएशन कैचअप देखने मिल रहा है। अगर बात करें तो FY25 की जो पी कैलकुलेटेड बेसिस पे हमने लिया है वहाँ पर रेडिंगटन इंडिया का वैल्यूएशन थोड़ा सस्ता है, 10.5 टाइम्स है। वही राशि वेरिएबल्स की बात करें तो ग्रोथ नंबर्स मिला के 13 टाइम्स का वैल्यूएशन आ रहा है, यानी कि IPO प्राइस थोड़ा महंगा है। इसके कारण ऑफकोर्स थोड़ी सी वैल्यूएशन कैचअप हो रही है और इम्पॉर्टेंटली कंपनी ने जो है हाल ही में तीसरे तिमाही के नतीजे लाए जो कमज़ोर थे, बट ओवरऑल कंपनी अपनी जो रिस्की एक्सपोजर है अफ्रीका की बिजनेस को वो घटा रही है। और आखिर में जो री रेटिंग का ट्रिगर है रेडिंगटन इंडिया के लिए वो है उनके नई मैनेजमेंट का। अब उनकी ग्रोथ आउटलुक क्या रहेगी उस पर जो है इम्पॉर्टेंट बाजार की नज़र रहने वाली है। तो आज रेडिंगटन इंडिया में HNI बाइंग देखने मिल रहा है। ठीक है, 9% ये शेयर ऊपर है। शरद बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारे के सारे इनसाइड बताने के लिए। हालांकि स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी हम चला देते हैं और आप इस शेयर पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सब सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन होती हैं। आप वॉल्यूम भर भर के ना लीजिए, वित्तीय सलाहकारों से चेक करवा के इसमें आप ट्रेड दीजिएगा। कल परसों से हम रेडिंगटन को देख रहे हैं, वॉल्यूम वगैरह अच्छा है। रुचित एक बार इसको जरा देख के बताएंगे इसमें स्ट्रेंथ कितनी है, ये और चल सकता है क्या? 2-3 दिन से चल ही रहा है ये एक्चुअली में डिम्पी जी, और चलने की प्रोबेबिलिटीज तो अच्छी है क्योंकि वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो प्राइस अप मूव में काफी अच्छे वॉल्यूम से स्टॉक में हुए, छोटे मोटे डिप स्टॉक में आए, बट जो 40 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्टॉक का 180 पे है और आज का लो देखेंगे एग्जैक्ट 180 है, कल का लो भी 180 ही था, तो 180 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस ये स्टॉक के लिए। आज प्राइस अप मूव में अच्छे वॉल्यूम्स है तो आई थिंक ये स्टॉक में अच्छी मूव 220 के आसपास तक एक्सपेक्ट की जा सकती है। 180 का सपोर्ट जब तक इंटैक्ट है तब तक आई डोंट थिंक के यू नो स्टॉक में कोई चिंता करने की जरूरत है लॉन्ग साइड की पोजीशंस हो तो। ठीक है, बॉम्बे वर्मा एक बार सर, राजेश सर एक बार जरा चेक करना उसके नंबर्स आए हैं, मैं जरा स्क्रीन पे उसके नंबर्स भी बता देता हूँ। बॉम्बे वर्मा के अच्छे नंबर्स आए हैं इस बार का, प्रॉफिटेबिलिटी आई है करीब 460 करोड़ रुपए की और 160 करोड़ से बढ़कर ये नंबर्स आए हैं, इनकी आय वगैरह भी ठीक आई है, तो मैं सिर्फ प्रॉफिट्स के नंबर बता रहा हूँ, मेरे को तो वहाँ पर बहुत ही बढ़िया लगे हैं। एक बार जरा दिखाएं बॉम्बे वर्मा, डेज हाई पे होना चाहिए, 7% ऊपर है। राजेश सर एक बार जरा चेक करना बॉम्बे वर्मा, ट्रेडिंग की कंपनी है एक्चुअली टी कॉफी की। तो BBTC बिल्कुल देखिए अप ट्रेंड में है, स्टॉक में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और अभी हमने बताया कि 1940 तक की अपसाइड हमें लगता है स्टॉक में आते हुए दिख सकती है। 1800 इसके लिए एक इमीडिएट हर्डल है, जैसे ही वो लेवल क्रॉस होंगे ये स्टॉक 1940 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। जिनके पास भी पोजिशन है बने रहना चाहिए 1720 के स्टॉप लॉस से। 1720 से पहले अभिषेक ने भी इसके बारे में पता किया था क्योंकि ये मूवमेंट फास्ट दे रहा है, इसलिए मेरे को लगा एक बार मैं सर से वापस से पता कर लेता हूँ बॉम्बे वर्मा। तो आपको अच्छे से रणनीति यहाँ पे मिल गई है, पावर पैक मैक के भी नंबर्स आ गए नीचे, हम टिकर टीम हमारी काफ़ी फास्ट है, नंबर्स आपको बैक टू बैक बता रही है, लिखवा रही है, आप नोटिस करते जाइएगा। और मैं तो बोलूँगा अगर आपकी कंपनी के नंबर्स हैं ना तो आप उसको थोड़ा पहले से नोटिस करके रखो, आपको डेट तो पता होती है कि नंबर आ ही जाएंगे, जैसे नंबर आए टिकर टीम के साथ आप देखेंगे नंबर्स, आपको आइडिया लग जाएगा आपके नंबर खराब आ रहे हैं कि ठीक आ रहे हैं। प्रीव्यूज़ अपने हाथ में रखो, अपने नंबर्स रख के उस समय। ठीक, आगे बढ़े, कुछ और शेयर जो आज मार्केट के अंदर थोड़ा बढ़िया से मूवमेंट दे रहे हैं, जिनका थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी आज मूवमेंट है जरा वो पता कर। अच्छा ये आशीष सर, ये सरकारी कंपनीज में 3-4 दिन से थोड़ी करेक्शन आई है तो बहुत सारे शेयर्स ठीक हो गए हैं, आओ बात नहीं हो पाएगी? अच्छा ठीक है, एक बार वापस से कनेक्ट करना आशीष सर से, एक तरह सरकारी कंपनीज पे टेक लेंगे उनसे क्योंकि उनके पास काफ़ी बढ़िया इंसाइडर रहते हैं और वो बढ़िया इंसाइडर्स उनके पास रहते हैं, काम आते हैं। आज एक शेयर और है जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि बढ़िया मूवमेंट मिल रहा है, वो NLC इंडिया। एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाना NLC इंडिया, निवेली लिग्नाइट के नाम से कंपनी हुआ करती थी पहले, आजकल NLC इंडिया बोलते हैं इसको। रुचित एक बार जरा चेक करेंगे NLC इंडिया, ये BTST करने का सौदा है क्या? टिम्पी जी आई थिंक BTST के लिए स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा है, काफी लंबा स्टॉप लॉस है क्योंकि जो सपोर्ट है वो सीधा 218-220 की रेंज में और ऊपर जो रेजिस्टेंस इनकेस BTST में एक अच्छा मूव आए भी तो 246 से 248 के रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो जो रिस्क है वो ज्यादा है कंपेयर टू जितना रिवॉर्ड। तो मैं BTST एडवाइस देंगे एग्जिस्टिंग पोजीशंस 246 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शेयर में एक और पता करने हैं, उसके बाद फिर अभिषेक के पास सवाल है काफ़ी। एक KRBL लेके आई, उसके आज नंबर्स भी आए थे KRBL, नंबर्स आने के बाद ये शेयर थोड़ा ठीक हुआ। एक बार जरा दिखाएंगे KRBL का इंट्राडे चार्ट, KRBL चावल वाली कंपनी है, KRBL के नाम से मिलेगी, जो भी PCR में बैठा थोड़ा स्पीड से फायर करे। अच्छा नंबर्स आने के टूटा है ये शेयर, ठीक है डन।
इसमें लेकिन वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आया हुआ है, आज रिजल्ट्स का इम्पैक्ट होगा, इसलिए 8 लाख शेयरों का कारोबार है। राजेश सर जरा चेक करना कोई ट्रेड बनता है क्या, ये पोस्ट नंबर्स नंबर्स आज ही आए हैं शायद केआरबीएल के। अवॉइड करना चाहिए डिम्पी जी, स्ट्रक्चर वीक है और स्टॉक में आज अभी जो इम्पैक्ट आया है रिजल्ट का, जो रिएक्शन है उसने अपने एक इम्पॉर्टेंट मल्टीपल सपोर्ट एरिया जो कि था करीब 344 के आसपास उसको भी ब्रेक डाउन किया है। तो अब आज की क्लोजिंग अगर 345 के नीचे होती तो यहाँ पे एक ब्रेक डाउन क्लियरली देखने को मिल रहा है डेली वीकली चार्ट पे, तो हमें लगता है अभी अवॉइड करना चाहिए। अगर ये 345 के नीचे रहा तो फर्दर सेलिंग बढ़ते हुए दिख सकती, हो सकता है स्टॉक 310 की तरफ भी फिसलता हुआ दिखे। तो 10 तक भी फिसलता हुआ दिख सकता है केआरबीएल का शेयर, नतीजे इसके आए थे, नतीजों के बाद हमने शेयर में फिसलन देखी है, 4.5% नीचे ये कारोबार कर रहा है। आशीष जी आप जरा पेटीएम पर सर एक व्यू दीजिए, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और जब ये गिर रहा है वहाँ पर लोग समीक्षा के लिए आ रहे हैं कि क्या बस हो गया या और गिरेगा, 380 रुपये का भाव है, 10% के लोअर सर्किट पर आकर ये कारोबार कर रहा है। हालांकि अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बड़े नेगेटिव आ रही हैं कि कस्टमर लूज करेंगे, भरोसा कम हो गया है, जो कि सर्वविदित हम कह सकते हैं, हम देख भी रहे हैं। आपका व्यू सर क्या कह रहा है पेटीएम के बारे में, क्या पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कारोबार के हट जाने से क्या हम पूरे पेटीएम को लेकर सशंकित होने चाहिए हमें? देखिए क्योंकि आप पेटीएम का ज्यादा यूज कोई मूवी टिकट बुक करने में या एयर ट्रेवल के लिए तो करते नहीं थे, आप उनका पेमेंट गेटवे ही यूज करते थे कि आपके वॉलेट में पैसा है और आपको किसी एक दूसरे को वो पैसा देना है किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए। यदि आपका कोर बिजनेस मॉडल ही शेक हो गया, मेरा सवाल यही है कि यदि कोर बिजनेस मॉडल ही शेक हो गया तो एंसिलरी बिजनेसेस में कोई इतना मार्जिन या इतना स्कोप नहीं है कि वो उसको कॉम्पनसेट कर पाए, क्योंकि पेटीएम की जो पोजीशनिंग थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, हर 3 इंडियन के मोबाइल फोन में एक के पास में पेटीएम बिल्कुल था। और अब ये जो कि पूरा ये 29 फरवरी तक ये बाइंड अप होना है पेमेंट का मैकेनिज्म, तो ये सारा जो बिजनेस है ये या तो यूपीआई जीपे या अमेजोन पे या पेपल या जो भी साइट के ऐप है उनके पास शिफ्ट होगा। तो मुझे लगता है कि जो आरबीआई गवर्नमेंट का भी स्टैंड था कि कोई रिव्यू नहीं किया जाएगा, ये लास्ट नेल इन द कॉफिन कहा जा सकता है कि कहीं कोई अभी ऐसा होप नहीं है कि अब तक कोई इसको कोई टेक ओवर ना करे। जब तक कोई कॉर्पोरेट डेवलपमेंट नहीं होगा मुझे नहीं लगता कि आपको पेटीएम के स्टॉक में बाय करना चाहिए। तो नहीं करना चाहिए आशीष जी, लेकिन जिनके पास है वो क्या करें, वो बेच के निकल जाए या फिर कुछ उम्मीद बना के रखें? अभी बड़े बड़े मार्किंग जो नेम्स थे वो निकल गए तो रिटेल निवेशक को क्यों वेट करना चाहिए, मेरा ये मानना है। और अभी भी निकल जाने की सलाह रहेगी, इसको एक खराब इन्वेस्टमेंट मान के एक बार निकल जाए ताकि आप किसी दूसरे स्टॉक में जो अभी इतने सारे अच्छे पीएसयू स्टॉक गिर गए वहां पे कहीं निवेश करें, बिल्कुल 2-1 साल में वहां अच्छा रिटर्न बनेगा। पर पेटीएम में मुझे नहीं लगता कि दोबारा से वो 600-700 के लेवल अभी आए। ठीक है, पेटीएम से निकलने की सलाह। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए जब 900 रुपए के भाव देख रहे थे पेटीएम में, वहां से ये शेयर करेक्ट हुआ और अब तो 400 रुपए के भी नीचे जाकर कारोबार कर रहा है। निकल जाने की आपके लिए सलाह है, जो पूंजी बचती है बचा लीजिए, किसी अच्छे शेयर में डालिए, हो सकता है कि इस नुकसान की भरपाई कोई दूसरा शेयर करवा दे। पेटीएम में वो दमखम नहीं बचा है, अगर यहां से ना भी गिरे तो ग्रोथ को लेकर सवाल तो है ही और ये आपको जरूर अपने जहन में रखना चाहिए। कल महिंद्रा एंड महिंद्रा के नतीजे आने वाले हैं, अनुमान क्या है, कैसे नंबर्स आएंगे, बताने के लिए हमारे सहयोगी अशीषा जुड़ गई हैं। अशीषा बताइए क्या अनुमान है आंकड़ों को लेकर? जी हाँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो M&M से काफ़ी अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में। रेवेन्यूज़ करीब करीब 25,326 और करोड़ के आसपास आ सकते हैं, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 17% का जंप होगा। मार्जिन्स की बात करें तो YOY बेसिस पर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, 12.6% पर मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो मार्जिन एक्सपेंड होते हुए नजर आ सकते हैं। प्राइस हाइक्स लिए थे कंपनी ने, ऑपरेटिंग लेवरेज का भी बेनिफिट मिलेगा जिसके चलते सिक्वेंशियल बेसिस पर मार्जिन्स एक्सपेंड हो सकते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम्स की बात करें तो ऑटो सेगमेंट के वॉल्यूम्स तो काफ़ी अच्छे थे जो कंपनी ने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिए हैं। सप्लाई चेन इश्यूज़ कम हो रहे हैं जिसके चलते वॉल्यूम्स ऑटो सेगमेंट के काफ़ी अच्छे थे, लेकिन ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो इसमें पिछले कुछ क्वार्टर से कुछ कमजोरी देखने को मिल रही है जो इस क्वार्टर में भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। इनफैक्ट तीसरी तिमाही के ट्रैक्टर वॉल्यूम्स 4% से गिरे थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जिसके चलते उसका इम्पैक्ट भी नतीजों पर देखने को मिलेगा।
मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो मैनेजमेंट की कमेंट्री ट्रैक्टर सेगमेंट के आउटलुक को लेकर क्या निकल कर आती है वो काफ़ी क्रूशियल होगी। याद रखें एस्कॉर्ट्स के नतीजे कुछ समय पहले आए थे और मैनेजमेंट ने इंडस्ट्री आउटलुक काफ़ी नेगेटिव दिया था जिसके चलते एस्कॉर्ट्स में भारी गिरावट देखने को मिली थी। तो ऐसी कुछ कॉमेंट्री अगर M&M भी देता है तो वो भी काफ़ी नेगेटिव होगा। उसके साथ ही साथ SUV सेगमेंट में बुकिंग्स कैसी है वो भी एक की मॉनिटरेबल होगा, लेकिन ऑल इन ऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है। ठीक है, सालाना आधार पर अच्छे नतीजों की उम्मीद है। आशीषा बहुत शुक्रिया आपका ये अनुमान बताने के लिए। महिंद्रा महिंद्रा, इसकी चाल जो रही है बाजार के हिसाब से ही रही है, 22-23% के आसपास के रिटर्न साल भर में दिए हैं शेयर ने। आज ये कमज़ोर है 1% के आसपास के नतीजों से पहले रुचित कोई ट्रेड लेना चाहिए क्या, या फिर अगर ऑप्शन के जरिए अगर आपको कुछ दिख रहा हो ट्रेड तो भी बता सकते हैं आप? नहीं, फ्रेंकली अभिषेक मैं वेट करूंगा नो फॉलो अप मूव रिजल्ट्स के बाद कैसा रहता है, क्योंकि अगर लास्ट एक महीने में देखेंगे तो स्टॉक ने कोई भी ट्रेंडेड फेज नहीं दिया है। 1740 के आसपास एक डबल टॉप जैसा पैटर्न बना है, बट सामने 100 दिन का मूविंग एवरेज 1600 के आसपास है, वो भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो कोई क्लियर ट्रेंड नहीं नजर आ रहा है स्टॉक में कि कोई ट्रेंडेड फेज नो स्टॉक इमीडिएटली दिखाएगा। सो मैं वेट करूंगा कि रिजल्ट्स के बाद में कैसा रिएक्शन आता है। इनकेस अगर 1600-1580 ये लेवल टूटता है तो आई थिंक फिर शॉर्ट साइड जाने का कैंडिडेट बन सकता है, बट करंट लेवल्स पे ऐसे कोई सेटअप्स नहीं बन रहे। ठीक है, नतीजों का इंतजार कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इसमें ट्रेड लीजिएगा। राजेश जी, आप जरा ग्रासिम पर व्यू दीजिए। नेगेटिव खबर तो हिंडाल्को को लेकर आई, साथ में ग्रासिम भी टूट गया, ये सेंटिमेंट का खेल है बाजार में। 4% अब ये नीचे है, ग्रासिम में क्या कोई कॉन्ट्रा बेट लेना है क्या, या फिर जो ट्रेंड है उसी के साथ जाएंगे? आई थिंक देखिए ग्रासिम में वापस जिस तरीके से गिरावट बनी है लास्ट टू ट्रेडिंग सेशन में, स्टॉक अपने एक इम्पोर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट एरिया के आसपास अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 2050 जो कि ऑलमोस्ट यहाँ से 10-12 रुपए नीचे के लेवल है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वो जाते हैं तो ये स्टॉक में फर्दर और सेलिंग बनते हुए दिख सकती है। स्टॉक में आज जो गिरावट बनी है और आज का क्लोज अगर ये 2080 के नीचे ही करता है तो ये 50-day मूविंग एवरेज के नीचे भी आज फिसलते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे और प्रेशर बनते हुए दिख सकता है, जिस तरीके से स्टॉक में मल्टीपल अटेम्प्ट में भी स्टॉक ने 2175 जो कि इसके एक मेजर रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करने में कामयाब नहीं हुआ है और अब ये 20-day और 50-day के मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो हमें लगता है 2050 के नीचे फिसलेगा तो इसका नेक्स्ट लोअर साइड का टारगेट 2020 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। एक तो शेयर मार्केट्स के अंदर और भी हैं जहाँ पे इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिल रहा है, वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। मैं इसको ये तो नहीं बोलूँगा कि सीधा इसको पेटीएम से जोड़ना चाहिए, लेकिन पता नहीं जैसे पेटीएम वाला मैटर आया तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर भी एकाएक अब थोड़े वाइल्ड मूव आने लग गए हैं। आशीष सर, मैं सीधा कनेक्शन कुछ नहीं है और ना ही मेरे को पता है और ना ही मेरे को आइडिया है इसका, क्या जियो फाइनेंशियल का एक अप्रोप्रिएट टाइम है? वो मैं इसलिए बता रहा हूँ सर, एक छोटा सा ना ब्रेकआउट हुआ है क्योंकि ये कंपनी इसी साल लिस्टिंग है 7 तारीख की, 7 सितंबर की है ना, थोड़ा उससे पहले की इनफैक्ट 22 अगस्त की, तो ये ब्रेकआउट हुआ है एक छोटा सा। ये जियो फाइनेंशियल आपके लिस्ट में है सर, प्लस करके रखना चाहिए, जो थोड़ा लेट भी हो गया प्लस कर लें, 2.62 का तो पहले ही मिला था लोगों को। बिल्कुल, सबसे बड़ा एक रीजन और है बढ़ने का, क्योंकि चूंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप करीब 20 लाख करोड़ पहुंच गया है, तो जियो फाइनेंशियल के पास में उनकी काफी होल्डिंग है तो जियो फाइनेंशियल की बुक वैल्यू बढ़ती है, तो इसलिए एक बड़ा रीजन है जियो फाइनेंशियल में जो बाइंग देखने को मिल रही है, तो वो है। उसी बात थोड़ा सा एक पोर्टफोलियो को अभी एक स्टेबिलिटी भी देता है, तो काफी सारे फंड्स हैं वो जियो फाइनेंशियल के स्टॉक को रिलायंस के साथ में बाय कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि पेटीएम की जो न्यूज है कि जो अभी जाके इतना रेडी है कि वो पेटीएम पेमेंट बैंक को एक्वायर करके इतना बड़ा बिजनेस मॉडल डे वन पे तैयार हो जाए उनका और उसमें कोई बड़ी वैल्यू निकल आए, तो मुझे नहीं लगता अभी वो ऐसा कुछ एक्विजिशन माइंड में। और मुझे लगता है कि रिलायंस की वैल्यू बढ़ रही है तो इसके कारण से जियो फाइनेंशियल में ये अपसाइड देखने को मिल रही। ठीक है, एक शेयर है रेट गेन, जरा मैं आवरली चार्ट उसको चेक करता हूँ और आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ। सडन स्पाइक उस शेयर के अंदर आया रेट गेन, एक बार जरा स्पीड दिखाइए उस शेयर को। और रुचित सर एक बार जरा चेक करना, रेट गेन ट्रेवल्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है, यस ये बोली 7% ऊपर है, ये 12 बजे के बाद से वॉल्यूम भी आया तेज़ भी हुआ है, जरा सर चेक करना इसको।
ब्रॉडर ट्रेंड तो काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। हमने जो रिसेंट प्राइस अपों भी देखे थे उसमें हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर था। मार्केट के साथ साथ लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में कुछ डिप आया, बट जो करेक्शन आया उसमें कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग स्टॉक में नहीं थी। और 760 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जब वो कल भी डिफेंड किया और आज भी डिफेंड किया, तो 760 का लेवल्स इंटैक्ट है। तब तक नो वापिस आई थिंक 890-900 के लेवल स्टॉक में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और नो आई थिंक 890 के अराउंड के लेवल्स स्टॉक में आ सकते हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है रेट गेन का, और रेट गेन में जो तेजी है 7-7.5% की, सिमिलर वैसी तेजी हम देख रहे हैं कि आज बॉम्बे डाइंग के शेयर में भी है। अब ये भी वाडिया ग्रुप वाली ही कंपनी है और हम देख रहे थे कि बॉम्बे वर्मा चल रहा था, बॉम्बे डाइंग में भी करीब 6-7% के आसपास की बढ़िया तेजी बनी हुई है। राजेश जी, बॉम्बे डाइंग और चलेगा क्या ये? तो बिल्कुल देखिए, बॉम्बे डाइंग में हमने देखा कि एक करेक्शन के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट अगर देखे तो अपने 150 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में आज सपोर्ट एरिया के आसपास से पुलबैक बना है, तो यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस 160 के आसपास का फॉलो करें। अगर ये स्टॉप लॉस नहीं टूटते तो देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि एक पुलबैक का ट्रेड जो बनते हुए दिख रहा है ये 180 की तरफ भी कंटिन्यू करते हुए दिखे। तो 160-162 के आसपास स्टॉप लॉस रखे, अपसाइड में 180 तक की जगह हमें लगता है आते हुए दिख सकते। 180 तक ये शेयर जा सकता है, खरीदारी करने की आपके लिए सलाह है। 3:20 का समय हो गया है, 10 मिनट बाकी है। बीटीएसटी ट्रेड्स का रुख करेंगे और पहले चलेंगे रुचित के पास। रुचित बताइए, बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी, और एक से ज्यादा कॉल दीजिएगा आप। जी, दो पिक्स अगर बीटीएसटी करना है तो सबसे पहले तो एलटीटीएस में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। सो अगेन नो, एक अच्छा ही कंसोलिडेशन के फेज के थ्रू रिसेंटली स्टॉक गया है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं अभी क्लोजिंग होते होते, तो यहाँ पे एक अच्छी मूव एक्सपेक्ट की जा सकती है। 5580 के नीचे स्टॉप लॉस के स्टॉक में खरीदारी करके जाए और 5720 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। और कोलपाल मेरा दूसरा पिक रहेगा, जहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रेकआउट को प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। अगेन यहाँ पे भी काफी अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ विद इन द, अगर आप एफएमसीजी बास्केट देखें तो इस स्टॉक ने दिखाई है। और स्टॉक पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल एकदम साइडवेज हो गया और अभी एक कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के वर्ज पर है यहाँ पे। इसके लिए मैं कह रहा हूँ मैं थोड़ा सा ब्रेकआउट को प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 2550 पे ये भी खरीदारी करके जा सकते हैं। 2500 के स्टॉप लॉस रहेंगे और 2630 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, रुचित की तरफ से ये स्टॉक्स, लेकिन बाजार को देखेंगे 21740 के आसपास है निफ्टी, 125 अंकों के बढ़ा थे। इस बीच आईटीआई के नतीजे आपकी स्क्रीन पर, अब आय 1% बढ़ी है 259 करोड़ रुपए, ईयर ऑन ईयर ये फिगर है। शेयर है 5% ऊपर, शेयर ये टूट रहा था सरकारी शेयरों में जो बिकवाली हम देख रहे थे पिछले 2 दिनों में, ये शेयर भी उसकी गिरफ्त में आया था। अगर हम घाटे की बात करें तो 15.6% बढ़ के 101 करोड़ रुपया, इस नंबर को चेक करना पड़ेगा कि कैसे फिगर्स निकल के आते हैं, लेकिन शेयर है 5% ऊपर। आईटीआई राजेश जी, इस पर आप व्यू दीजिए, क्योंकि 2-3 सत्र से ये शेयर गिर रहा था और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि 5% की रिकवरी, 20-25% डाउन आने के बाद 5% चढ़ाई है। देखिए, नियर टर्म में जरूर एक बिकवाली देखने को मिली, पिछले 3-4 हफ्तों में स्टॉक एक करेक्शन के दौर से गुजरते हुए दिख रहा है और स्टॉक अपने 20-day 50-day मूविंग एवरेज के नीचे फिसल चुका है। हमें लगता है आज का जो पुलबैक बना है ये करीब 315-320 वहां पे इसमें वापस एक सप्लाई जोन बना हुआ है, तो जब तक 320 के ऊपर क्रॉस नहीं होता है हमें लगता है थोड़ा सा ट्रेंड अभी भी नेगेटिव साइड का है। नियर टर्म के हिसाब से डाउन साइड में 290 के लेवल अगर तोड़ देता है वापस तो इसमें डाउन मूव जो देखने को मिला था पिछले 2-3 हफ्तों में वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। हो सकता है 275-270 की तरफ भी फिसलता हुआ दिखे, तो अभी थोड़ा सा नो ट्रेड जोन है, अवॉइड करना चाहिए एट दिस मोमेंट। अवॉइड करने की सलाह है राजेश जी, अवॉइड क्या नहीं कर सकते, ट्रेडिंग कॉस्ट बताइए अपनी, बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी। बीटीएसटी है और पहला स्टॉक है डीएलएफ, रियल एस्टेट स्पेस में मोमेंटम बना हुआ है। डीएलएफ एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है, ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। यहाँ पे हमें लगता है कि इसके जो बीटीएसटी के टारगेट बन सकते हैं वो करीब 848 से लेके 855 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 818 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय करने की सलाह है वो है हेवल्स। हेवल्स में भी देखे तो एक अंडर परफॉर्मेंस था स्टॉक में, लेकिन अब स्टॉक ने एक बेस बना के आज के सेशन में जिस तरीके से मूव बनाए हैं, ये स्टॉक में अपने पिछले 5-7 दिन का एक जो कंसोलिडेशन रेंज था उसका ब्रेकआउट आज यहाँ पे
रजिस्टर होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है हेवल्स का मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 1395 1410 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1340 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है लुपिन के साथ जाना चाहिए। एक क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, डे हाई की तरफ स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 1640 1650 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है लुपिन। स्टॉप लॉस होंगे करीब 1585 के आसपास। ये आपने आईटीआई के नंबर्स देख पा रहे थे, उसमें आपने देखा होगा कि लॉस बड़ा है और 101 करोड़ रुपए का नंबर आया इस बार का लॉस, बढ़कर 87 करोड़ से घाटे से बढ़कर घाटा 101 हुआ है। एक्चुअली वो नंबर वाईओवाई है, यानी साल दर साल है। अगर आप इसका लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे ना, तो इसको 126 करोड़ के घाटे से घाटा 101 करोड़ हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर ठीक है, घाटा कम कर रही है कंपनी, इस बार के क्वार्टर नंबर्स पे कम हुआ है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 126 करोड़ से घाटा कम होके 101 हुआ है। अदरवाइज अगर वाईओवाई आप कंपेयर करेंगे, मैं आपको वो डेट भी बता रहा हूँ, मैं 13/12/22 से 13/12/23 को कंपेयर कर रहा हूँ, तो नंबर्स आपके बड़े हैं, 87 से 101 हुआ है। अगर मैं 30/9/2023 से, यानी कि लास्ट क्वार्टर से, और 31/12 वाले से कंपेयर कर रहा हूँ, तो आपका ये घाटा थोड़ा कम हुआ है 126 करोड़ से। इसलिए शायद इस शेयर आपको 5% ऊपर दिख रहा है। क्वार्टरली नंबर्स का रिफ्लेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है। बॉश के भी नंबर आए, नीचे आ चल रहा है। आज मेरे को लग रहा है कि पूरा दिन ही नंबर्स का ही क्या ना क्लोजिंग हो जाएगी इसकी, इसलिए नंबर्स काफ़ी तेजी से कंपनीज के आ रहे हैं। बॉश एक बार जरा चेक करवा लेते हैं। रुचित एक बार जरा चेक करना बॉश। जी यहाँ पे तो ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है, हमने आज एक दिन का मूव नहीं है, बट पिछले कुछ दिनों से लगातार स्टॉक पे प्राइस अप हुए, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ सपोर्टिव है। और आज ये फॉलो अप मूव जो है उसपे जो प्रीवियस स्विंग हाई थे स्टॉक के, वो सरपास होने के वर्ज पर है। अब मैं थोड़ा हिस्टोरिकल चार्ट से एकदम देख रहा हूँ, तो मार्च 2015 में, आई थिंक लगभग हम 8-9 साल पहले की बात करें, ये स्टॉक ने 28,000 के आसपास के हाईज बनाए थे। एक्स डिविडेंड अगर ये डेटा देख रहा हूँ तो 28,000 के हाइस जो थे वो 2015 के बाद फर्स्ट टाइम वापस से वो स्टॉक इस लेवल के आसपास आया है। तो आई थिंक ये क्लियर काफी लंबे समय के बाद ये स्टॉक में इतनी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिली है, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। सो यहाँ पे ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है, 28,000 के लेवल्स इनिशियली एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं उसके अराउंड, और एक बार वो लेवल्स अगर सरपास हो जाते तो नो डाउट ये ट्रेंड और भी आगे कंटिन्यू रह सकता है। तो अभी बेचे नहीं सर, ये नंबर आने के बाद टिक जाए, बॉश में टिके रहे ना। रुचित रुके रहे ना, बीटीएसटी भी करके चले जाएं। जी मुझे बिल्कुल, आई थिंक पोजीशंस है तो वो सर्टेनली स्टॉक में होल्ड करनी चाहिए, कोई भी रिवर्सल के साइंस फिलहाल तो नहीं है स्टॉक में। ठीक है, कुछ कुछ आपको ना बॉश के नंबर्स है, इसका रिफ्लेक्शन देख के आपको ओरेकल फाइनेंस भी याद आ रहा होगा। ओरेकल फाइनेंस के भी नंबर्स के बाद से उसकी तस्वीर ही बदल गई। तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। मेरे को लग रहा है कि बॉश के नंबर ये भी याद रखने वाले नंबर्स हैं। ओरेकल फाइनेंस देखो आज भी 6% ऊपर है। आप इसका एक काम करोगे, 1.5 महीने का चार्ट दिखा सकते हो तो आपको पता लगेगा ओरेकल फाइनेंस कैसे डबल हुआ है। 1.5-2 महीने का पुराना चार्ट दिखा दो, थोड़ा आइडिया लग जाएगा, रिकॉल हो जाता है ना, और कुछ नहीं है। इसकी भी कहानी नंबर से बदली थी, ये 4600 का शेयर था 12 जैन को, आज कितनी है 13 फेब, एक महीने के अंदर 3,000 रुपये, 64% ये शेयर चला है ओरेकल फाइनेंस, और इसके नंबर्स का ही कमाल था। ठीक है, थोड़ा सावधान रखो। मैं आईटीए के नंबर को और भी चेक कर रहा था, क्योंकि इसमें ट्रैक करता हूँ, इसकी इनकम वगैरह भी बड़ी है, ये वाईओवाई भी बड़ी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बड़ी है। इनके फाइनेंस कॉस्ट भी मैंने चेक की है तो उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, अच्छी बात है, फाइनेंस कॉस्ट में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं ये, ताकि कॉस्टिंग का प्रेशर थोड़ा कम हो जाए। आईटीआई भी आप देखेंगे आपको ठीक रिटर्न दिया इसने। खैर एनी हाउ, हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, 2 ही मिनट हैं मार्केट में, एक काम कर। अच्छा आशीष सर, मैंने एक सरकारी कंपनीज का आपसे नाम पता भूल गया, जरा एक सरकारी कंपनी बताइए ना सर, ये 2-4 दिन में जो करेक्शन हुआ उसके बाद ये जो फालतू की हवा बनी हुई थी सब छटपट गई है, अभी कोई सही जगह पर सही दाम पर मिल रहा हो कोई शेयर, एक सरकारी कंपनी वो बता देता हूँ। एक ही बजाय तो मेरा पहला पिक हमेशा रहेगा कोल इंडिया लिमिटेड, काफी बेहतरीन नतीजे आए हैं, और देखिए सबसे कम करेक्शन जो हुआ है ना वो आपने देखा वो कोल इंडिया में हुआ है, कि 466 हाई था आज भी 453 मिल रहा है, तो ये शो करता है उस स्टॉक में कितनी स्ट्रेंथ है। और ये मेरा मानना है कि 10,000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कंपनी अगले क्वार्टर में भी कर सकती है, तो बिल्कुल इस कंपनी पे अभी भी नजर रखनी चाहिए और किसी भी गिरावट पे बाय करिए इसको।
दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है REC। मेरा मानना है इस स्टॉक में भी जो रिबाउंड आएगा वो सबसे फास्ट आने वाला है, तो PFC की बजाय मुझे REC ज्यादा पसंद है, कोल इंडिया, दोनों स्टॉक अभी भी काफी बेहतरीन। ठीक है आशीष सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सोशल मीडिया टीम से बोलूंगा आपका यही आंसर एज इट इज़ काटे, मैंने क्वेश्चन पूछा आपने जवाब दिया, ये पूरा हिस्सा काट के सोशल मीडिया पे डाल दें ताकि जिन लोगों के पास भी कंपनीज हैं उनका थोड़ा हौसला बन जाए और जिनके पास नहीं है उनको पता लग जाए कि कौन सी कंपनीज ज़्यादा अच्छी हैं। कोल इंडिया और REC सर ने कॉल दी है, सोशल मीडिया टीम इसको ज़रूर डाल दीजिएगा सोशल मीडिया हैंडल्स पर। खैर एनी हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं क्लोजिंग की तरफ और बाजार की आज की क्लोजिंग भी बहुत ही बढ़िया है। आज नंबर्स हैवी डे था क्लोजिंग में लेकिन नंबर्स ने अब तक निराश नहीं किया, मैंने तो जितने नंबर्स देखे ज़्यादातर मेरे को ठीक दिखे, इक्का दुक्का नंबर्स को अगर आप छोड़ दें तो बस वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। आज बढ़िया मार्केट ने क्लोज किया है, बैंक निफ्टी ने आज आपको 45,500 टेस्ट करा के एक राउंड का बढ़िया प्रॉफिट दिलवाया, हालांकि क्लोज कर जाता तो कुछ और ही बात होती। 21,800 आज आपको मिला नहीं लेकिन 21,800 के बेहद करीब चले गए। बादल थोड़े छटे हैं बट गुम नहीं हुए हैं अभी भी मंदी के या प्रेशर के, तो इसलिए कल की कल देखेंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट वाले कंसेप्ट पे आओ। 500 600 700 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर कम नहीं होते हैं, सेम करीब 150 पॉइंट निफ्टी के अंदर कम नहीं होते हैं। अगर आपको इंट्राडे में मिल जाएं और आपके पास दो चार लॉट भी हैं तो ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता है। 1100 शेयर एडवांसेस और 1200 शेयर डिक्लाइंस कांटे की टक्कर बता रहा है। आज जो मार्केट के अंदर टॉप लीडर्स साबित हुए या जिनको मैं बोलूँगा जिन्होंने अपनी कन्विक्शन को हाई रखा, उसमें रेलवे काउंटर्स थे, IRFC, NLC इंडिया ऊपर आया, इरकॉन, रेडिंगटन, ये कुछ एक थे जो कि आज मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स थे। और जिन्होंने आज स्ट्रेंथ दिखाई है सरकारी कंपनीज वो कोल इंडिया था, UPL भी रिकवर करके अच्छा आया, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक ने आज बैंक निफ्टी का मूड काफ़ी ठीक किया, ये कुछ एक शेयर्स थे जिनको आज पूरा क्रेडिट देना चाहिए। हिंडालको के नंबर्स खराब थे, शाम को मैनेजमेंट अपना टेक देगी, कल वो मैनेजमेंट का व्यू पॉइंट हम आपको सुनाएंगे सुबह 8 से 10 बजे के बीच में। आज वो डेज लो पे जाके बंद हुआ है हिंडालको। आशीष सर थैंक यू वेरी मच, आपने आज समय निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके रुचित, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया आपने अच्छे ट्रेड हमको दिलवाए और मेरे को ना आपका कोलपाल काफ़ी अच्छा लगा, मैं ज़रूर कल इसको देखूंगा और ज़रूर आपके सामने वापस रखूंगा। और राजेश सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज उनको तीन कॉल दी, SBI लाइफ, कैनरा और विप्रो, और लास्ट में मेरे को आपका हेवल्स बहुत पसंद आया, हेवल्स बहुत ही बढ़िया ट्रेड है सर, कल इसको ज़रूर चेक करेंगे कल हेवल्स कितना और बढ़िया चलता है। अच्छा राजेश सर आपको मालूम है एक मैंने आपसे वो ऑप्शंस वाला क्वेश्चन पूछा था कि ऑप्शंस के ट्रेड में स्पेकुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो तो सर सुपर हिट हो गया, वो तो बहुत सारे लोगों ने उसका जवाब सुना, आपके शायद ग्रुप ने भी उसको रीट्वीट किया, ऐसा है ना सर? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आपने इतना इम्प्रॉम्प्टू और इतनी अच्छी बातें पूछी थी तो बिल्कुल वो सभी तक पहुंचना चाहिए था, तो बिल्कुल हमने हमारे कंपनी के ट्विटर हैंडल से भी उसको पोस्ट किया और सभी सोशल मीडिया पे डाला है उसको। ठीक है सर बहुत बढ़िया सर, ऐसी कुछ और बातें भी हम आपसे पूछते रहेंगे। आशीष सर, रुचित, राजेश सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला, मेरे को और अभिषेक को तो आप इजाजत दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम कल की तैयारी, क्या मनीष जी आ गए क्या ब्रेक लेंगे? मनीष जी आ गए सर, हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है। ठीक है सर, मनीष जी अब आपको संभालना है कल की तैयारी, हमने तो आज बाजार बंद करवा दिया, अब कल की तैयारी आप करवाइए। क्या संभालना है, निफ्टी में क्या तेजी आपने दिखाई, आपके सारे टारगेट अचीव हो गए हैं आज, तो जो है ना आप निकलते समय ना आप सर आज अपने वोल्ट आपने वोल्टाज ने आज देखा सर, मैंने अवनी भट्ट को भी थैंक यू कहा, आज वही थी मरसान, उन्होंने एक ऑप्शन भी दिया है मारुति की, तो आज फिर से मारुति चेक करेंगे, 10,080 की कॉल दी मैंने लगा रखी अपनी स्क्रीन पर और कल उनको शायद हमको फिर से बधाई देनी पड़ेगी, तो वोल्टाज भी बढ़िया चला आज सर, सब कुछ चल रहा था आज, और आज तो निश्चित रूप से अभिषेक बाहर जब आप निकलेंगे ना डिम्पी से पार्टी जरूर ले लीजिएगा मेरी तरफ से, ठीक है ना? आज जो है ना, आज जो है ना मैंने भी जोर लगाया था डिम्पी के सांसद के ना सर आज तो होगा, डोल भी मैंने बजवा दिए थे तो सारे टारगेट अचीव हुए, और कल जब कल की तैयारी हमने शो की ना डिम्पी, तो बीते 24 घंटे में ना करीब 1,25,000 लोगों ने देखा उसको, और करीब 450 लोगों ने मैसेज किया है, तो मैसेज बहुत आए हैं और तमाम लोगों ने सरकारी शेयर के बारे में सवाल पूछे थे और हम लोगों ने आज पूरे दिन भर इस पर कवरेज भी की है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे, बताएंगे कि उनके पोर्टफोलियो जो शेयर है उस पर क्या करना चाहिए, छोटे से ब्रेक के बाद कल की तैयारी।